मैं डॉक्टर अली इमाम, राजनीति विज्ञान विभाग, डीएवी महाविद्यालय, सिवान। छात्रों, आज का टॉपिक है अमेरिका में दबाव समूह की भूमिका क्या है, अर्थात अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका, और साथ ही साथ हम अमेरिकी दबाव समूह और ब्रिटिश दबाव समूह के बीच तुलना पर भी जोर देंगे। छात्रों, राजनीतिक दलों के अलावा दबाव समूह भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये दबाव समूह प्रशासन तथा नीतियों के निर्माण पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। वे अपने हितों की सुरक्षा तथा संवर्धन के लिए सरकार पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। दबाव समूहों का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि वो इस प्रयास में लगे रहते हैं कि उनके पक्ष में निर्णय हो। इसके लिए अनेक प्रकार के पर्सुएसिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुलवादी समाज में इस प्रकार के अनेक दबाव समूह पाए जाते हैं। छात्रों, अमेरिका में स्थानीय स्तर के अलावा राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रकार के दबाव समूह विद्यमान हैं। ऐसे दबाव समूहों में कुछ के नाम लिए जा सकते हैं, जैसे व्यापारियों तथा उत्पादकों का राष्ट्रीय संघ, वाणिज्य मंडल, विद्युत कंपनियों का राष्ट्रीय संघ आदि। इसी प्रकार किसानों व मजदूरों के संगठन हैं, जैसे अमेरिकी फार्म ब्यूरो, राष्ट्रीय कृषक संघ, अमेरिका का श्रम संघ आदि। इन दबाव समूहों पर किसी विशेष दल का नियंत्रण नहीं होता, इसलिए ये दबाव समूह किसी विचारधारात्मक बंधन से बंधे हुए नहीं हैं। वे अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी भी पार्टी से, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, से तालमेल बिठा लेते हैं, या जैसी हवा चले उसी तरफ बहने लगते हैं। इतना ही नहीं, प्रभावशाली दबाव समूहों के दबाव में आकर राजनीतिक दल अपनी नीति या रणनीति बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। सामान्यतः दबाव समूह पार्टी नीतियों तथा कार्यों को दो तरह से अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम वे नीति निर्धारण को प्रभावित करने के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा सिविल सर्वेंट्स के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये दबाव समूह प्रशासन के विभिन्न स्तरों के साथ अपने संबंध बनाए रखते हैं तथा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि
उनके हित सुरक्षित रहे। जैसा कि अमेरिका में कार्यपालिका देश के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका या लीडिंग रोल निभाता है, और दबाव समूह इसे हर संभव तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से संबंध बनाए रखते हैं तथा उनके कार्यों को अपने हित में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। छात्रों, विधायी क्षेत्र में भी दबाव समूह कांग्रेस के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं तथा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए जो इनके हितों को बढ़ावा दे। इस उद्देश्य के लिए ये दबाव समूह कांग्रेस के सदस्यों को वित्तीय सहायता देते हैं, यानी उनको एक तरह से चंदा देते हैं, और इस प्रकार उन पर पूर्ण नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस के सदस्य, खासकर मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अपनी पार्टी की तुलना में अपने क्षेत्र के स्थानीय दबाव समूहों से ज्यादा जुड़े रहते हैं तथा उनको महत्व देते हैं। ये दबाव समूह विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और अपने हितों में विधेयक को या बिल को संशोधित भी करवाते हैं। इस प्रकार ये देखा जाता है कि दबाव समूह थर्ड चैम्बर ऑफ कांग्रेस के रूप में भी काम करती रहती है, ऐसा कहा जाता है। दबाव समूह न्यायपालिका पर भी आवश्यक रूप से प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसा न्यायाधीशों की नियुक्ति करवाना चाहते हैं या ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करवाना चाहते हैं जो राजनीतिक रूप से प्रेरित हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। यदि राष्ट्रपति तथा कांग्रेस दोनों पर किसी दबाव समूह का प्रभाव कारगर साबित नहीं हुआ हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेता है ताकि राष्ट्रपति के अमुक या किसी आदेश या कांग्रेस के किसी कानून को अवैध ठहराया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि इन दबाव समूह की भूमिका की कोई संस्थानिक सीमाएं नहीं है। अमेरिकी दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति तथा सुरक्षा के लिए खुलकर लॉबिंग की तकनीक का प्रयोग करते हैं। हर लोकतांत्रिक देश में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसे वैध नहीं माना जाता। इसके विपरीत अमेरिका में इस तकनीक का खुलकर प्रयोग किया जाता है। लॉबी का मतलब उन प्रभावशाली लोगों के गुट से होता है जो निर्णय लेने वाले को प्रभावित करके अपना हित साधन करते हैं तथा अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए किसी भी उचित अनुचित उपायों का प्रयोग करते हैं। अमेरिकी लोगों के विचारों में लॉबिंग प्रतिनिधि शासन की एक अनिवार्य तकनीक है।
और इसे प्रोत्साहित करने तथा समझने की जरूरत है। फिर भी अमेरिकी लेखक इस प्रकार की राजनीति की प्रशंसा करते हैं। उनके विचार में गुटों की राजनीति लोक सहभागिता को प्रोत्साहित करती है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ तथा विकसित करती है, लोगों की राजनीतिक उदासीनता को मिटाकर उन्हें जागरूक नागरिक की ओर आकृष्ट करती है। इससे बड़े बड़े कंडों का पर्दाफाश होता है। निक्सन जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को 1974 में वाटरगेट स्कैंडल में त्यागपत्र देना पड़ा। संक्षेप में, दबाव समूह समाज में उन हितों की पहचान में अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं जिनके प्रति राजनीतिक व्यवस्था को अनुक्रियाशील होना चाहिए। चूंकि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, उनमें प्रभावशाली संगठन का अभाव है, इसीलिए दबाव समूह अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह की ऐसी भूमिका ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक दल सिद्धांतों पर आधारित हैं और पार्टी संगठन काफी मजबूत है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन राजनीतिक दल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और दबाव समूह की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी अमेरिका में है। अब छात्रों, अब हम देखेंगे कि अमेरिकी व्यवस्था में और ब्रिटिश व्यवस्था में दबाव समूहों की क्या भूमिका है और दोनों के बीच हम तुलना करके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। दबाव समूह ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के अलावा अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर भी दोनों देशों में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका में मौलिक अंतर है। दोनों देशों के दबाव समूहों में पाए जाने वाला मुख्य अंतर निम्नलिखित है। ब्रिटेन में या सर्वप्रथम ब्रिटेन में दबाव समूह को राजनीतिक प्रक्रिया के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनकी भूमिका को राजनीतिक व्यवस्था के पूरक के रूप में माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका में दबाव समूह को लेकर एक विचित्र विरोधाभास या स्ट्रेंज कंट्राडिक्शन है। एक ओर अमेरिका में दबाव समूह को अवांछनीय या अनडिजायरेबल माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर उनके प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मार्ग प्रशस्त किया जाता है।
ब्रिटेन में राज, दूसरे ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में या ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका के चलते अपने आप दबाव समूह की भूमिका कम हो जाती है। दूसरी ओर अमेरिका में राजनीतिक दलों की प्रभावकारी भूमिका के अभाव के चलते दबाव समूह अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे, अमेरिका में बहुसंख्यक जनता मेजॉरिटी ऑफ पीपल राजनीति के प्रति उदासीन रहती है। राजनीति के प्रति उदासीनता के चलते दबाव समूहों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल जाता है। लेकिन दूसरी ओर ब्रिटेन में जनता राजनीतिक रूप से सचेत यानी पॉलिटिकली अलर्ट रहती है और राजनीतिक दलों की क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इसीलिए ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की उतनी प्रभावशाली ढंग से क्रियाशीलता नहीं पाई जाती है जितना अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती है। चौथे, अमेरिका में संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम है जिसके अंतर्गत शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत पर शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। साथ ही साथ शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी का अभाव भी अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में पार्टी संगठन काफी कमजोर भी है। इन सब तथ्यों ने अमेरिका में दबाव समूह की प्रभावशाली भूमिका में अत्यधिक योगदान किया है। उपर्युक्त तथ्यों के अभाव के चलते ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों की भूमिका सीमित है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि दबाव समूह अमेरिका तथा ब्रिटेन दोनों राजनीतिक व्यवस्थाओं में मौजूद हैं, तथापि वे ब्रिटेन की तुलना में अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं। धन्यवाद।